हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति केशी फ्रॉम अल्फा ग्लोबल इंस्टीट्यूट। वेलकम बैक माय ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। सो स्टूडेंट, वी डिस्कस इन द लास्ट क्लास टॉपिक वाज अबाउट द सेंटेंस। तो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द डे फिफ्थ। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन डे फिफ्थ क्लासेस। टॉपिक इज द अबाउट द सब्जेक्ट, पास्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड पर्सन। ठीक है, दो चीज़ें यहाँ डिस्कस करेंगे हम। सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे, सब्जेक्ट कितने पार्ट्स में डिवाइड है, एंड पर्सन क्या होते हैं इन इंग्लिश ग्रामर। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइड अबाउट द पर्सन। अगर आपको पर्सन में प्रॉब्लम आएगी तो आपको हेल्पिंग वर्ब लगाने में भी बहुत दिक्कत जाएगी। जैसे जैसे हम टेंस पढ़ेंगे, टू आइडेंटिफाई द पर्सन इन इंग्लिश ग्रामर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। एंड जैसे कि हम एजेंडा एक्सप्लेन करते हैं, एंड टुडे एजेंडा इज द फर्स्ट वन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेंटेंस। कॉन्सेप्ट ऑफ द सेंटेंस, सेकेंड वन इज द टाइप्स ऑफ द सेंटेंस, एंड द थर्ड वन इज द अबाउट द पर्सन्स। पर्सन्स के बारे में हम बताएंगे आपको। नेक्स्ट वन इज द प्रैक्टिस एक्सरसाइज। प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको दी जाएगी जिससे आपने क्लास में क्या सीखा अब उसको सॉल्व कर पाओ। नेक्स्ट वन इज द फ्रेजल वर्ब विथ एग्जाम्पल। फ्रेजल वर्ब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर स्पीकिंग, इंफ्लुएंस योर स्पीकिंग। ओके, वी स्टार्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ द सब्जेक्ट। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन क्या होता है सब्जेक्ट, क्या होता है वो सारी चीज़ें आप यहाँ देखेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है गाइज। सब्जेक्ट डिवाइडेड टू फॉर्म्स, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट। इट कंटेन्स द सेंटेंस। ये क्या होता है, एक सेंटेंस का पार्ट भी होता है सेंटेंस। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास से बताया था, सेंटेंस डिवाइडेड टू पार्ट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट द सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट क्या होता है और ये क्या कंटेन करता है, कितने पार्ट में डिवाइड है। तो सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट कंटेन करता है इन द सेंटेंस डिवाइडेड टू फॉर्म, सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है गाइज, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन द सब्जेक्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ऑफ द सब्जेक्ट क्या है। हियर इज द सब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स द पर्सन और थिंग परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ वर्ब इन अ सेंटेंस। ये पर्सन और थिंग क्या करता है, कंटेन करता है फॉर परफॉर्मिंग एक्शन ऑफ वर्ब इन द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, You are learning, आप सीख रहे हो। You are reading, आप पढ़ रहे हो। I am teaching, मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो here is the I, यहाँ पे person contain करता है। और क्या contain करता है, ये things भी contain करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, subject उसमें noun and pronoun contain करता है। तो noun आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, noun is a naming word। ठीक है, तो यहाँ पे वही है, जो भी सेंटेंस में उस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं पढ़ाने का काम कर रही हूँ। आप पढ़ रहे हो तो आप पढ़ने का काम कर रहे हो। यू इज़ द सब्जेक्ट, आई इज़ द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंसेस गाइस। फॉर एग्जांपल, यू आई विल कॉल। इन दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट इज़ आईज एंड वर्ब इज विल कॉल। इस सेंटेंस में क्या है, आई इज़ द सब्जेक्ट, विल कॉल इज़ द वर्ब। करेक्ट, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आया। सब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन को परफॉर्म करता है इन अ सेंटेंस, इज नोन एज द सब्जेक्ट। अब आता है टर्न, इज द पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट दो पार्ट में डिवाइड है, सिंगुलर एंड प्लूरल। लेट्स सी ऑन द स्क्रीन। ओके गाइस, यू कैन सी योर सब्जेक्ट। When the subject refers to one person or place or thing, जब subject एक person, place or thing refer करता है वो singular होता है, एक से ज़्यादा करता है तो you plural subject होता है। You can see on the table, singular subject is yours and plural subject is yours. Ram, Shyam, Sky, this, that, it, pain is a singular subject and that side plural side, Ram and Shyam दो person है यहाँ पे, this one is the plural. And people, पीपल में कई लोग हैं, नॉट अ पर्सन्स। तो यहाँ पे कई सारे पीपल इज़ द प्लूरल। क्रॉड, ठीक है, यहाँ पे क्या है, दिस वन इज़ द प्लूरल। दिस प्लूरल, दोज प्लूरल, पेंस इज़ द प्लूरल।
ठीक है गाइस, तो आपको समझ में आ गया जो वन थिंग कंटेन करता है, प्लेस को, थिंग को, पर्सन को, उसको हम क्या कहते हैं, सिंगुलर पर्सन कहते हैं, जो एक से ज़्यादा कंटेन करता है, रिफर करता है, नेम, प्लेस, थिंग, नेमिंग वर्ड को, उसको हम प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं। ओके गाइस, सब्जेक्ट क्या होते हैं, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, ये मैंने डिस्कस किया है। एंड नेक्स्ट वन इज़ द अबाउट पर्सन इन इंग्लिश, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी ऑलरेडी सेड टू यू। पर्सन क्या होता है इंग्लिश में गाइस, उसको हम पढ़ेंगे। पर्सन, देर आर थ्री टाइप ऑफ पर्सन इन इंग्लिश, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, देर आर थ्री टाइप ऑफ पर्सन इन इंग्लिश, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन गाइस। ठीक है, फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात को कहता है, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ उसके बारे में। ठीक है, मैं जो कहता है, डैट वन इज़ द फर्स्ट पर्सन। आपसे कह रहे हैं, जो जिससे बात कही जाती है, वो सेकंड पर्सन होता है। जिसके बारे में बात की जा रही है, वो थर्ड पर्सन होता है। यू कैन सी ऑन द टेबल, फर्स्ट पर्सन इज स्पीकिंग। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, जो बोल रहा है, डैट वन इज़ द फर्स्ट पर्सन। मैं बोल रही हूँ आपसे उसके बारे में, तो मैं बोल रही हूँ आई एम फर्स्ट पर्सन। आपसे बोल रही हूँ, यू आर द सेकेंड पर्सन। जिसके बारे में बोल रही हूँ, डैट पर्सन इज थर्ड पर्सन। ओके गाइस, सेकेंड पर्सन स्पोकन टू, सेकेंड पर्सन होता है जिससे बात बोली जा रही है। थर्ड पर्सन स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में बात की जा रही है, वो थर्ड पर्सन होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई स्पीक टू यू अबाउट हिम, आई एम द फर्स्ट पर्सन, यू आर द सेकेंड पर्सन एंड हीम इज़ द थर्ड पर्सन। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल बता दिया है, मैं आपसे बात कर रही हूँ उसके बारे में, तो यहाँ पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। आई एम द फर्स्ट पर्सन, यू आर द सेकेंड पर्सन, दैट पर्सन इज़ द थर्ड पर्सन। क्लियर हो गया है गाइस? ठीक है, अब बात यहाँ पे होती है, फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकेंड पर्सन क्या है एंड थर्ड पर्सन क्या है इंग्लिश में। लेट्स सी ऑन दैट पिक्चर, फर्स्ट पर्सन इज आई, वी, सेकेंड पर्सन इज़ यू, थर्ड पर्सन ही, शी, ए, दे। ठीक है, फर्स्ट पर्सन आई होता है एंड वी होता है, सेकेंड पर्सन इज़ यू होता है एंड थर्ड पर्सन है ही, शी, इट एंड दे। एंड यहाँ पे मैं बिल्कुल क्लियर आपके साथ बात करना चाह रही हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनना। फर्स्ट पर्सन यहाँ पे लिखा गया है आई और वी, कैसे लिखा गया है आप उसको समझना, प्रैक्टिकली समझना इसको, आई और वी कैसे कहा गया। मैं आपसे बात कर रही हूँ तो समझ में आ रहा है आई, यहाँ पे क्वेश्चन माइंड में रेज हो रहा होगा वी कैसे आया, हम आपसे बात कर, जैसे मैं और मेरी फ्रेंड आपसे बात कर रहे हैं उनके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे दो लोग बात कर रहे हैं, मैं और मेरी फ्रेंड, हम हो गए, तो यहाँ पे हम दोनों आपसे बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे वी भी यहाँ पे फर्स्ट पर्सन कहलाएगा। आई एंड वी बोथ इज़ द फर्स्ट पर्सन, जो बात को कह रहा है वो फर्स्ट पर्सन होता है गाइज, याद रखना। सेकेंड पर्सन जिससे बात कही जा रही है वो हमेशा सेकेंड पर्सन होगा, आप सेकेंड पर्सन रहोगे। नेक्स्ट, थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पे किसी ही के बारे में बात की जा रही होगी, शी के बारे में बात की जा रही होगी, कोई वस्तु हो सकती, इट के बारे में बात की जा रही होगी, दे, दे मतलब कई सारे लोगों के बारे में बात की जा रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सन कितने प्रकार के मैंने पढ़ा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पर्सन हो गया। एंड ये पर्सन भी डिवाइड होता है प्लूरल एंड सिंगुलर में। ठीक है गाइज, वो जैसे मैं क्लास आपका लूँगी टेंस में, तो उसमें सिंगुलर एंड प्लूरल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा गाइज। ओके, हियर द सम एक्सरसाइज फॉर योर प्रैक्टिस, यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज है आपके प्रैक्टिस के लिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसमें आइडेंटिफाई करना है आपको सब्जेक्ट एंड पर्सन। इसमें सब्जेक्ट क्या है एंड पर्सन कौन से है, सब्जेक्ट है कौन से सब्जेक्ट हैं, सिंगुलर है, प्लूरल है, पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन है कि सेकेंड पर्सन है, वो आप आइडेंटिफाई करोगे। तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड प्लीज डू प्रैक्टिस एट योर होम। ओके, नेक्स्ट वन इज द सम फ्रेजल सेंटेंसेज, वेरी इंपॉर्टेंट। वी लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट द सम फ्रेजल
verb with example, and today also give you some three important phrasal sentence. And please guys, me again I am saying, please watch carefully that all phrasal verb, and please note down your copy and make a next another sentence in own language. It will definitely improve your speaking program. Okay, next one, see you. Here some phrasal verb. First one is pop off का मतलब होता है मन की भड़ास निकालना. Speak or write angrily or in emotionally. Correct guys? You can see on the screen. Pop off का मतलब होता है मन की भड़ास निकालना, गुस्से में को emotionally में गलत चीज़ें को किसी के सामने represent करना. बहुत ज़्यादा किसी को aggressive है, गुस्सा है तो मन की भड़ास किसी के सामने निकाल लेता है. For example, he popped off all his pain in the meeting. उसने मीटिंग में सारे मन की भड़ास को निकाला. करेक्ट गाइज. नेक्स्ट वन इज़ द पास अवे. पास अवे का मतलब होता है गुजर जाना, किसी की डेथ हो जाना गाइज, डाई गुजर जाना. ठीक है, हिज फादर पास अवे लास्ट वीक. उसके फादर लास्ट वीक गुजर गए. नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज़ द पास बाई. गो पास विदाउट स्टॉपिंग, बगल से किसी के गुजर जाना. करेक्ट गाइज. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी यो, आई वॉज पासिंग बाई हिज हाउस, आई सॉ रोहन. ठीक है, मैं उसके घर से गुजरा, मैंने रोहन को देखा. ठीक है, आई सॉ रोहन, मैं उसके घर से गुजरी, मैंने रोहन को देखा. पास बाई का मतलब होता है गो फास्ट विदाउट स्टॉपिंग. ठीक है, बगल से गुजर जाना.